ख्वाब नम सोने की कान देखना। इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैही फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसने किसी पहाड़ को खोदा और वहाँ एक कान सोने की पाई तो दलील है कि वो बमूजिब अपनी कदर की कोई विलायत व हुकूमत पाए, और अगर ख्वाब देखने वाला मुसले व नेकोकार और पारसा और अहल दीन हो तो दलील है कि हक ताला इसको इल्म और हिकमत नसीब करे, और अगर देखे कि इसने कोई कान चांदी की पाई तो दलील है कि वो कोई औरत जो बुजुर्ग और रईस लोगों में से हो जौजियत में लाए जो के बाजमाल और मालदार भी हुए। और बाज़ माबर कहते हैं कि इसके यहाँ कोई फर्जंद मुबारक कदम पैदा हुए, और अगर देखे कि इसने कोई कान तांबे की या पीतल की पाई तो दलील है कि उसकी किसी सरदारू रईस बदकिरदार बेरहम के साथ सोहबत व मुलाकात हो जावे, और अगर देखे कि इसने कोई कान कली आराम या टीम की पाई तो दलील है कि वो कोई औरत खूबसूरत अपनी जौजियत में लाए, और अगर देखे कि इसने कोई कान लोहे की पाई तो दलील है कि उसकी सरदार रईस कवि के साथ मुलाकात व सोहबत हो जाए, और अगर देखे कि इसने कोई कान बिलौर की पाई तो दलील है कि उसको बादशाह की तरफे से या औरत की तरफ से कोई मुनफत पहुँचे, और अगर देखे कि इसने कोई कान जबरजद और जमुद के जवाहरात की पाई तो दलील है कि वो शख्स साहिब माल और साहिब जा हो जाए, और अगर देखे कि इसने कोई कान याकूत की पाई तो दलील है कि उसकी इज्जत और माल व दौलत ज्यादा होवे, और अगर देखे कि इसने कोई कान फिरोजा की पाई तो दलील है कि वो दुश्मन पर जफर पाए और इसको मगलूब करे, और अगर देखे कि इसने कोई कान अकीक की पाई तो दलील है कि बादशाह से कोई नफा पाए, और अगर देखे कि इसने कोई कान शुबा की पाई जो एक कीमती और निहायत मुफीद पत्थर होता तो दलील है कि वो किसी सरदार और रईस के साथ कोई गुफ्तगू करे, और अगर देखे कि इसने कोई कान लाल की पाई तो दलील है कि वो कोई जा और हशमत पाए, और अगर देखे कि इसने कोई कान नौशादर की पाई तो दलील है कि वो अंदोगी व गमनाक हुए, और अगर देखे कि इसने कोई कान नमक की पाई तो दलील है कि वो किसी बुजुर्ग या रईस से कोई मुनफत पाए, और अगर देखे कि इसने कोई कान सुरमा की या कान जाक यानी फटकरी की पाई तो दलील इसके गम व अंधों पर हुए, और अगर देखे कि इसने कोई कान गिलजर यानी जर्द मिट्टी की पाई तो दलील है कि वो बीमार हुए, और अगर देखे कि इसने कोई कान गिल सफेद असफेद मिट्टी आखड़ या मिट्टी की पाई तो दलील है कि किसी सरदार रईस के साथ इसकी सोहबत व मुलाकात हो।